ओके देन, तो हमारा टॉपिक आज का है डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। तो चलिए फिर देखते हैं। नाउ द राइट शेयर, व्हाट राइट शेयर इज, दे आर इश्यूड व्हेन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय फर्दर इशू ऑफ शेयर। देखो राइट इशू क्या हो रहा है, राइट इशू तब हो रही है जब कंपनी अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाह रही है, जब वो चाह रही है कि मार्केट से थोड़े से और पैसे उठाए जाए, तो वो उस केस में वो क्या करेगी, फर्दर इशू करेगी अपने शेयर्स को, ताकि उनके शेयर्स जो है वापस से सब्सक्राइब हो जाए और उनको फिर कैपिटल मिले। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। ठीक है, दे आर इशूड व्हेन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स, यहाँ पे ना एक डॉट हो गया, ये डॉट नहीं होना चाहिए था, इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, वापस से इशू करते हैं ताकि उनका जो है जो शेयर कैपिटल है वो बढ़े। लेकिन बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर में वैसा कुछ नहीं होता, बोनस शेयर में यहाँ पे आप एक तरीके से शेयर्स को इशू करते हो, उनके पास जो ऑलरेडी शेयर्स होंगे लोगों के पास, उसके बेसिस पे। नाउ दे आर इशूड व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू कैपिटलाइज इट्स फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बोनस शेयर तब इशू कर रहे हैं जब इनको कैपिटलाइज करना है अपने फ्री रिजर्व को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, या फिर अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को। अब आपके मन में आएगा कि सर इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर फ्री रिजर्व में होता क्या है, इनके पास ना ऑलरेडी बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा आता है। आपने जब क्लास 12th में सवाल बनाया होगा कंपनी का, तो आप देखना कि 10 रुपए का मान लो शेयर है, तो वो लोग उसके लिए 12 रुपए 15 रुपए चार्ज करते थे, 2-3 रुपए प्रीमियम का चार्ज करते थे। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, शेयर तो उतना ही है लेकिन पैसा ज्यादा आ गया, तो उस पैसे को कैपिटलाइज करने के लिए उस पैसे के नाम पे वो लोग शेयर इशू कर देते हैं, हालांकि उससे अमाउंट नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, शेयर बढ़ता है, जैसे कि मेरे पास सपोज 2 शेयर है, 2 शेयर का प्राइस 200 रुपए है, राइट, तो वो लोग जब एक शेयर मेरे को देंगे 2 शेयर के बदले, तो मेरे शेयर का प्राइस तो 300 हो जाना चाहिए था, क्योंकि 3 शेयर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग सिर्फ शेयर देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, सिर्फ उसको कैपिटलाइज करते हैं कि इसके बदले हम एक शेयर और दे सकते थे, तो चलो दे देते हैं। आ रहे समझ में, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसके बदले वो लोग एक शेयर दे सकते हैं, ऐसा उनको कैलकुलेशन में लगा, तो वो लोग क्या करेंगे, एक शेयर आपको बोनस के रूप में दे देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या था, पहला राइट शेयर में था कि अपना शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बोनस शेयर है एक तरीके से जो भी उनके पास फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट बचा हुआ है उसको वो लोग कैपिटलाइज करने के लिए बोनस शेयर को इशू करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, it only confer a privilege on existing shareholders to have a claim on the shares offered after the first public issue. तो ये मैंने already बताया था कि right share जिसके पास already share होगा वो ही claim कर सकता है, नया share, I mean कोई नया shareholder उस चीज को claim नहीं कर पाएगा। ये एक तरीके से privilege उन्हीं लोगों को मिलता है जो existing shareholders होते हैं और उनका claim बनता है उस उन shares के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक इशू हुआ है उसके बाद सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनके पास वो शेयर्स स्टार्टिंग से हैं। ठीक है, वो क्लेम कर पाएंगे। दूसरा है बोनस शेयर, बोनस शेयर में कुछ वैसा नहीं है, बोनस शेयर हर एक मेंबर को मिलता है और तब मिलता है जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू, मतलब एक तरीके से अनाउंस करती है कि हम 2 शेयर के बदले 1 शेयर देंगे या 1 शेयर के बदले 2 शेयर देंगे, तो इस तरीके से कंपनी जो है अनाउंस करेगी। ठीक है, ये हो गया। क्या कुछ सवाल पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ, बोल रहे खरीद लिया इसका तो किसान, किसान उसको थोड़ा चैट में लिख लो ना, मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। सर ये काफी लंबा है, चैट में लिख नहीं पाऊंगा इतना। सर अभी सुनाई दे रहा है क्या सर आपको? नहीं, मुझे ना एक्चुअली मैं लैपटॉप से डायरेक्टली मैं कनेक्ट हूँ, मैं मेरे पास वो क्या कहते हैं वो हेडफोन नहीं है। ठीक है, मतलब है बट कहाँ है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तो हेडफोन लगा करके ना मेरे लैपटॉप में अभी तक वैसे चेक करा भी नहीं, मैं लैपटॉप से डायरेक्टली आपकी बात सुन रहा हूँ, तो आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है। ठीक है, वो दिक्कत हो रही है, बाद में पूछ लूंगा। हाँ हाँ, बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है, अ लेटर ऑफ ऑफर इज सेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स इन प्रोपोर्शन
टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दोज शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है ना, एसओपी जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, याद रखना प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर नहीं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो ऑलरेडी मालिक है कंपनी के, उनके पास वो लोग एक ऑफर लेटर सेंड कर रहे हैं कि भाई देखो आपके पास इतना प्रोपोर्शन है शेयर का, इतना शेयर आपके पास है, तो उतने शेयर के बदले हम आपको इतना राइट इशू करना चाहेंगे, राइट इशू शेयर, राइट शेयर हम आपको इशू करना चाहेंगे। तो आप अगर लेना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एल्स आप नहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो लोग ना एक प्रॉपर लेटर भेजते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर हम बोनस शेयर की बात करें, तो बोनस शेयर में इस तरह का कोई भी लेटर सेंड नहीं किया जाता है, और ये आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है, आपको अप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे मेरा रिसेंटली अभी आया, आई थिंक नैलको का शेयर था मेरे पास, तो उन्होंने दो शेयर के बदले एक शेयर मेरे को दिया, ठीक है। तो मुझे इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे पास जितना भी शेयर होगा उसके बदले में मेरे को शेयर मिल जाएगा, जितना का भी मैं एलिजिबल हूंगा पाने को। जैसे दो शेयर पे अगर एक है और मेरे पास 20 शेयर है, तो मुझे 10 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। यहाँ पे नो सच लेटर ऑफ ऑफर नीड टू बी सेंड टू द शेयर होल्डर सिंस द कंपनी कैपिटलाइजेस प्रॉफिट और रिजर्व्स इफ इट इज ऑथोराइज बाय आर्टिकल एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड हैज बीन ऑथोराइज इन जनरल मीटिंग। तो ये देखो यहाँ पे दो चीजें बोली गई कि इसका इसमें रिकमेंडेशन होना चाहिए बोर्ड का, और एजीएम में ये अनाउंस होना चाहिए, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ये बात अनाउंसड होनी चाहिए कि हम लोग जो है बोनस इशू करने वाले हैं। तो वो लोग आपस में पहले डिसाइड करते हैं तभी आता है, ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसे ही भेज देते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। चौथा नंबर पॉइंट है, इफ इक्विटी शेयर होल्डर एक्सेप्ट द ऑफर ही हैज टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, राइट शेयर में क्या हो रहा है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक ऑफर लेटर वो लोग भेज रहे हैं, अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसको जो स्पेसिफाइड अमाउंट होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन बोनस शेयर में जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ता है। Members do not have to pay any amount for such shares. ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें नंबर पॉइंट पे आएंगे। So if the equity shareholder does not accept the offer, the board of director may dispose them off in such a manner that it is advantageous to the company and shareholders. ठीक है, तो अगर equity shareholder इस चीज को accept नहीं करता है, तो board of director क्या करेगा, उस offer letter को, उस offer को dispose कर देगा, और इस तरीके से dispose करेगा ताकि वो कंपनी के लिए एडवांटेजियस हो। मेरे ख्याल से वो शायद उस पैसों को डायरेक्टली अपने प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देगा शेयर्स को, या मे बी जो प्रमोटर्स होते हैं ना, जो कंपनी के ही ओनर्स होते हैं, ओनर्स को ही प्रमोटर्स बोलते हैं, तो वो लोग ही शायद उस चीज को खरीद लेंगे। ठीक है, ये चीज होती है। अगला है द कंपनी विच हैज अनाउंस द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड मेंबर्स रिकमेंडिंग बोनस इश्यू shall not subsequently withdraw the same. देखो, right issue में withdraw करने का option है कि अगर आपको आपके offer को accept नहीं किया गया, तो आप उस offer को dispose कर सकते हो। लेकिन company के case में ऐसा possible नहीं है। जब board ने recommendation दे दिया है, general meeting में ये बात हो गई है कि bonus share सबको दिया जाएगा, तो ये bonus share सबको मिलता है। आप उस चीज को withdraw नहीं कर सकते। ठीक है, bonus share में ये बात बोली गई है। अगला पॉइंट है, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज राइट शेयर्स मे बी पार्टली पेड। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ठीक है, प्लस जो राइट शेयर आप कर रहे हो, वो पार्टली पेड हो सकता है। पार्टली पेड का मतलब क्या है कि वही 10 रुपए का टोटल शेयर है, आपने अभी तक 5 रुपए ही पेमेंट किए हैं, 5 रुपए पेमेंट करना बाकी है, तो वो पार्टली पेड हो गया। हालांकि आप पेमेंट करोगे बाद में, लेकिन इसको हम पार्टली पेड बोलेंगे। ओके, बोनस शेयर जो होगा वो फुल्ली पेड होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है, लेकिन ये फुल्ली पेड होता है, कंपनी एक तरीके से फुल्ली पेड इसको मानती है कि ये शेयर जो है कंप्लीटली जो शेयर होल्डर है उसी का है, उसने पेमेंट कर दिया है, तभी हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो बोनस शेयर फुल्ली पेड होता है, और राइट शेयर फुल्ली पेड नहीं होता है, पार्टली पेड होता है। नहीं, ये फुल्ली पेड भी हो सकता है, राइट शेयर फुल्ली पेड भी हो सकता है, लेकिन अगर पार्टली पेड होगा तो भी चलेगा, लेकिन बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड होगा। ठीक है, नाउ सेवेंथ पॉइंट, राइट शेयर्स मे बी रिनाउंस इन फेवर ऑफ नॉमिनी। ठीक है, राइट शेयर जो है वो नॉमिनी के हक में एक तरीके से जा सकता है। ठीक है, जो भी नॉमिनी होगा उसके पास जा सकता है, लेकिन बोनस शेयर के केस में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। नो सच फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द केस ऑफ बोनस शेयर। जिसके पास है
कोसी के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो ये 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस था बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। आसान टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है और एग्जाम के लिए काफी कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा पढ़ अच्छा लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, और आप हाँ थोड़ा सर लेट से भी ज्वाइन किया, आई डोंट नो क्लास का ड्यूरेशन कब खत्म हो जाए, अभी तो हालांकि टाइम है जहां तक मुझे पता चल रहा है, तो एक टॉपिक हम लोग और कर हाँ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा हाँ हाँ बड़ा नहीं लग रहा ये। ओके जरा सर, 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ सर ओके किशानू, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड अंडर डिपॉजिटरी मोड, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर शेयर्स की बात हो रही है कि शेयर्स को आप किस फॉर्म में आप अपने पास रखना चाहते हो। अब इसको देखो, दो तीन तरीके हैं, मतलब आज से नहीं, मतलब काफी टाइम पहले से, जब से ये शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि लोगों के पास शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था। अगर मुझे चाहिए, 1 मिनट, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था, वो लोग जो है शेयर्स को ना कागज के फॉर्म में लेते थे। मुझे अगर शेयर खरीदना रहे और मैंने अगर खरीदा, तो मेरे पास शेयर जो आएगा ना वो कागज के फॉर्म में आएगा, कागज में मतलब लिखा हुआ रहेगा। अब मेरे को बेचना पड़ेगा तो फिर उस कागज को ले जा करके किसी और को बेचना पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब जिस हाँ आदमी के पास में कागज होता था वो उस शेयर का होल्डर होता था, ठीक है, आ रहा बात समझ में। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, डीमेटेरियलाइजेशन हुआ, इसमें डीमेट का इस्तेमाल होता है, डीमेटेरियलाइजेशन हुआ, तो सबका ना अपना अपना एक डीमेट अकाउंट बन गया, ठीक है। जैसे मेरे पास भी है, मुझे भी शेयर में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, और उसका लिंकअप जो है मेरे किसी बैंक अकाउंट से होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया हाँ जा रहा है एक तरीके से कि डीमेटेरियलाइजेशन, नीचे में देखो बेनिफिट ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, जब डीमैट स्टार्ट हाँ किया गया तो इसका क्या क्या फायदा हुआ, मतलब फिजिकल फॉर्म से चीजों को डिजिटल कर दिया गया, ठीक है। अभी मुझे मेरे हाथ में कागज लेने की जरूरत नहीं है, अभी सारा चीज मेरे फोन में ही सब कुछ है, सब मेरे डीमैट अकाउंट में है। हालांकि मुझे अगर कागज चाहिए होगा तो मैं खुद से चाहूँ तो उसको निकलवा भी सकता हूँ, एप्लीकेशन करूंगा, वो आ जाएगा, वो लोग भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम जो है अभी के टाइम पे हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांजिशन हुआ है पहले से अभी में, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है वो बताया जा रहा है। नाउ द डिपॉजिटरीज एक्ट एक है जो कि 1996 का है, प्रोवाइड्स फॉर एन ऑल्टरनेट मोड ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टर्स हाउएवर Have the choice of continuing with the existing share certificate physical form. तो क्या बोला गया कि 1996 Depositories Act के अनुसार ये बात बोली गई है, लोगों का जो शेयर है उसको डीमैट में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में भी अपने पास रखता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी शेयर को अपने पास रख सकता है, ठीक है। अब हाँ जैसे कि मैं पोस्ट ऑफिस में मैं MIS कराऊंगा, या किसान विकास पत्र आपने नाम सुना होगा, या फिर किसी भी तरह का अगर मैं प्रोग्राम लेता हूँ तो क्या होगा, मैं वहां पे पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मुझे उसके जगह पे कागज मिलेगा, फिर मैच्योरिटी का जब टाइम आएगा तो मैं उसको लेकर के जाऊंगा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, और मुझे मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा, यही होता था। तो शेयर मार्केट में हाँ भी एक तरीके से ये चीज होता है कि आपने अपने पैसे को हाँ इन्वेस्ट करके कागज उसका ले लिया और हाँ आपने अपने पास रख दिया,
फिर आप जब उसका आपको जब मन करेगा 10 साल 15 साल बाद जब भी आपको मन करेगा आप जा करके अपने पैसे को वहां से करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिस्टम चलता है। लेकिन कई लोग अभी के टाइम पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, शेयर लेने के बाद वो लोग अपने पास बहुत दिनों तक रखते नहीं है, वो उसको 15 दिन 20 दिन 1 महीना 3 महीना जब तक भी वो रखना चाहे रखते हैं और फिर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म में रखना होगा तो फिर वो लोग शेयर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करेंगे, राइट? अभी के टाइम पे सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट देता है क्या सर? क्या क्या शानू बोलो, अभी के टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट देता है क्या? आज ना आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आज मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ। एक मिनट जरा सा रुकिए, देखो मैं अगर पंखा का स्पीड में थोड़ा कम करूँ। हेलो हेलो, हाँ कृष्ण बोलिए। बोल रहा था कि अभी के टाइम में शेयर सर्टिफिकेट देता है क्या? अभी के टाइम में भी शेयर सर्टिफिकेट लेना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो बात यहाँ पे बोल रहा है ना कि अगर कोई शेयर होल्डर है जो कि एग्जिस्टिंग तरीके से काम करना चाहता है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट चाहता है, तो वो भी पॉसिबल है अभी के टाइम पे। पर अभी कहा जाता है कि आप डीमैट अकाउंट भी खोल करके रखो, मतलब आपका डीमैट में भी शो करेगा प्लस आपका शेयर सर्टिफिकेट भी रहेगा। तो इन केस अगर आपको अपना शेयर को सेल करना रहा तो आपको अपने सर्टिफिकेट को निकाल करके जाने का कहीं जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपना डीमैट अकाउंट खोल करके वहां से आप अपना सेल कर सकते हो किसी भी अपने शेयर्स को, समझ रहे हो? तो डीमैट होने का ये फायदा है। नाउ नाउ एज पर द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स एट BSE एंड NSE, 99.9% ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस इन डीमेटेरियलाइज्ड मोड ओनली। तो देखो 99.9% ट्रांजेक्शन जो अब हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में हो रहे हैं। मतलब आपका कोई मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, कागज वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। कागज मिलता है, जब भी आप करोगे ना तो आपके मेल पे आएगा, लेकिन आपके घर पे नहीं आएगा। पहले क्या होता था, घर पे आता, ठीक है, मेल पे कागज मिलता है सारा। तो आपको अगर कोई कागज निकालना है तो आप मेल से निकाल लो सिंपली, राइट? ये चीज होती है। Therefore, in view of the convenience of trading and dematerialized mode, it is advisable to have a beneficial owner account for trading at the exchanges. तो ये BO account भी आपका demat account जब आप खोलोगे तो आपका PO account भी बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज वहां पे होती है। तो ये advisable है कि अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो demat account खोल करके, मतलब dematerialized form में आपको ये काम जो है करना है, और धीरे धीरे करके देखना ये आने वाले 5-10 सालों में ये कम्प्लीटली 100% जो है डीमैट के फॉर्म में ही होगा, मतलब ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा शेयर सर्टिफिकेट। कोई मैंने तो सोचा था सर, मैंने सोचा था सर पूरा 100% ही डीमैट में है अभी। हाँ नहीं, एक्चुअली जो लोग नए ओनर्स है ना, जो लोग नए जैसे हम लोग हैं, हम लोग यंग है तो हम लोग डीमैट ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, जो पुराने काम में है, वो लोग अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि शेयर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उनको ना बिलीव नहीं होता है कि शेयर उनके पास है जब तक उनके पास कागज नहीं होगा। तो ये चीज होता है, ठीक है? तो वो भी आने वाले कई सालों में तो कुछ ना कुछ लाइक हो ही जाएगा चेंजेस, वो लोग भी बदल जाएंगे, या तो उनके बाद का जो सक्सेसर्स होंगे वो लोग तो मतलब जो डिजिटल वाला फॉर्म है उसी को अपनाएंगे, पुराने तरीके से तो काम होगा नहीं। अच्छा, अब डीमेटेरियलाइजेशन करने का फायदा देखो यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहला है सेफ एंड कन्वीनियंट वे ऑफ होल्डिंग शेयर्स। ये आपके लिए सेफ भी है, सेफ इसलिए भी है क्योंकि सपोज अगर वो कागज कहीं जल गया या कहीं खो गया या कुछ हो गया तो आपके पास प्रूफ नहीं बचेगा। हालांकि तरीका है उसको भी रिकवर करने का, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर कोई चीज ऑनलाइन है तो बहुत आसान है, आप अपने मेल में जाओगे तुरंत आप देख लोगे, जरूरत है तो डाउनलोड कर लो, नहीं जरूरत है तो वहीं रहने दो, कहाँ कहीं जा रहा है, ऐप में ही मिल जाएगा। हाँ सेफ है और कन्वीनियंट है, कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है? आप अपने ट्रांसफर को इमीडिएट कर ट्रांसफर कर सकते हो। आपको किसी को अपने घर में ही किसी को सपोज ट्रांसफर करना है या सेल करना है या कुछ करना है तो वो चीज जो है आपको यहाँ पे आसानी से पॉसिबल है डीमैट के केस में, ठीक है?
तीसरी बात, नो स्टैंप ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप ट्रांसफर करते हो अपने सिक्योरिटीज को तो उसके ऊपर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं पड़ता। स्टैंप ड्यूटी का मतलब होता है, देखो जब हम जमीन वगैरह हाँ खरीदते हैं ना तो देखना उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हाँ मेरे लिए हाँ हाँ एसेट है, ठीक है ना। तो जो सिक्योरिटीज जो हाँ होते हैं, मतलब जो शेयर्स होते हैं, वो भी एक तरीके से ओनरशिप प्रूफ करता है आपका, कि हाँ आपका उस कंपनी में ओनरशिप है। तो जब भी ओनरशिप की बात आती है ना तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे ओनरशिप कब स्टाम्प होगा? ड्यूटी जब जो सेल है होगा सर या बाय होगा। हाँ बोलो। बोल रहा था, ये यहाँ पे दो क्वेश्चन मेरा। एक तो यहाँ पे जो स्टाम्प ड्यूटी है वो एसटीटी जो पे किया जाता है उसी को कहते हैं क्या? स्टैम्प ड्यूटी कौन पे एसटीटी करेगा जो बोल पे रहे हो किया क्या आप? जाता है उसको ही स्टाम्प, नहीं, एसटीटी जो पे करते हैं हम लोग उसको ही स्टाम्प ड्यूटी कहते हैं क्या? स्टाम्प ड्यूटी एसटीटी को? सवाल तो क्लियर नहीं हो पाया, बट लैंड जब हम खरीदेंगे ना या बेचेंगे तो उस केस में जो लैंड खरीदेगा एक्चुअली उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। प्लस जब हम शेयर्स हाँ भी हम लोग जब सेल करेंगे तो उस केस में भी मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर के केस में, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि और डीमेटेरियलाइज फॉर्म में जरूरत नहीं होता है। अगर मेटेरियलाइज रहेगा, कागज वाला फॉर्म में रहेगा, और आप अगर ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर तो आपको डीमैट में करना पड़ेगा। तो डीमैट जहां पर भी आएगा वहां पे आपको एक तरीके से स्टैम्प ड्यूटी स्टार्टिंग में खासकर पे करना पड़ेगा। ट्रांसफर का मतलब क्या हो रहा है, पहले इसको समझो। ट्रांसफर का मतलब हो रहा है कि मैं अपने शेयर को अपने घर वालों में किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे मैंने, सपोज मेरे पास कुछ शेयर थे, मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने बच्चे को, समझ रहे हो। तो उस केस में मुझे स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर मैं सेल कर रहा हूँ या परचेस कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है सर? ट्रांसफर का प्रोसेस है मुझे एकदम वन बाय वन नहीं पता, बट उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात तो वही है। जैसे सपोज आपका एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है, मेरा जैसे एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है, तो मैं वहां पे जाऊंगा, हाँ वहां पे मुझे ट्रांसफर का कोई ना कोई, मेरा जो डीमैट अकाउंट है वहां पे मैं जाऊंगा, हाँ वहां पे मुझे ट्रांसफर का ऑप्शन देगा। तो वहां पे मुझे ट्रांसफर करना है, किसके नाम पे करना है, कितना शेयर करना है, इस सारा का सारा मुझे जो है एक एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। अब वो एप्लीकेशन जो है उनके पास जाएगा, फिर वो लोग अप्रूव करेंगे और फिर उसके डीमैट अकाउंट में उस चीज को ट्रांसफर कर देंगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर अच्छा यही अच्छा होगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली मैंने अभी तक ट्रांसफर नहीं करा है तो एकदम वन बाय वन बता पाना मुश्किल है, बट ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। ओके यहाँ पे देखो दो तीन चीजें और हैं, मैं ऐसे भी बता देता हूँ। आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में, जैसे मुझे अभी क्या क्या फायदा हुआ, देखो अगर मेरा कागज में वाला फॉर्म में होता तो मैं ये सारा नहीं कर पाता। तो मैं देखो अभी मैंने रिसेंटली क्या किया था, मैंने नॉमिनी ऐड किया, ठीक है। नॉमिनी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऐड नहीं किया था, पर अभी वो पॉसिबिलिटी है कि मैं ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के खुद से मैं नॉमिनी ऐड कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। बट कागज वाला होगा तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं एड्रेस चेंज कर सकता हूँ अपने घर का। जब वहां पे मैं डाल रहा हूँ तो वहां पे शुरू में एक एड्रेस मांगता है, तो वो एड्रेस मैं चाहूँ तो कभी भी चेंज कर सकता हूँ जब से ये ऑनलाइन हुआ है। ऑफलाइन होता, कागज के फॉर्म में होता, तो मैं नहीं कर पाता, राइट। तो ये दो फैसिलिटी तो मुझे अभी रिसेंटली मुझे मिला है। मतलब मैं इसका इस्तेमाल करके मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही आसानी है, इजी टू यूज है, आप कभी भी कर सकते हो। प्लस सेल तो करने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही, सेल और बाय, तो जैसे मतलब जब भी मैं चाहूँ तब कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है। इसके अलावा चलो इसको देख लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टैंडर्ड्स सच एज बैड डिलीवरी, फेक सिक्योरिटीज, डिलेज, थेफ्ट्स, ईटीसी। अब देखो यहाँ पे चूंकि कागज का कोई इस्तेमाल नहीं है डिमेटेरियलाइज फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो किसी भी तरह का बैड डिलीवरी या फेक सिक्योरिटीज का बात नहीं है। जो भी आएगा आपके डीमेट अकाउंट में आएगा और ऑथेंटिक होगा। जैसे आप कागज के फॉर्म में आप अगर लेना चाहोगे तो हो सकता है आपको डिले हो आने में, हो सकता है रास्ते में चोरी हो जाए या घर पे चोरी हो जाए, कागज कहीं खो गया। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में ये सारा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। रिडक्शन इन पेपर वर्क इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अब ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में जो पेपर वर्क करना पड़ता है वो आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन करोगे। जब आप डीमैट के थ्रू ट्रांसफर करोगे तो वहां पे आपको ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पेपर फॉर्म में है तो फिर आपको दिक्कत है, तो फिर आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा,
टायरसम होगा, राइट। अगला है रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होता है उसमें कम खर्चा आपको पड़ता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म में आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका खर्च बहुत कम पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन फॉर्म में करोगे तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। नो ऑड लॉट प्रॉब्लम, अब यहाँ पे ऑड लॉट प्रॉब्लम का क्या मतलब है, देखो लॉट का मतलब होता है ना एक साइज, जैसे कि सपोज एक लॉट में 100 शेयर है, दो लॉट में 200 शेयर है, तो क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे कि आप जो है उस चीज का जब आप ऑफलाइन बेचने जा रहे हो, ऑफलाइन जब आप बेचने जा रहे हो तो सपोज आपके पास 100 शेयर का सर्टिफिकेट है, आप मार्केट में गए उसको बेचने के लिए तो किसी को 50 ही चाहिए, तो 100 आप 100 में से आप 50 कैसे दोगे, दिक्कत होगी ना आपको, क्योंकि आपके पास शेयर सर्टिफिकेट 100 का है, 50 आप दे नहीं पाओगे उसमें से, आपको देने से 100 ही देना पड़ेगा या उसको चाहिए तो 100 ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये चीज ऑनलाइन में पॉसिबल है, ऑनलाइन में अगर आपके पास 100 शेयर है उसमें से 50 आप बेचना चाह रहे हो या फिर किसी को 50 ही लेना है तो आप उतना ही सेल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100 ही बेचने पड़ेंगे। लेकिन लॉट तो सर फ्यूचर में होता है, लेकिन सर लॉट जो है वो तो सिर्फ फ्यूचर में होता है, वो फ्यूचर में होता है, इक्विटी में तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, हाँ हाँ यू आर राइट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है, बट मैं उस लॉट की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शेयर सर्टिफिकेट और डीमैट के बारे में बात कर रहा हूँ। शेयर सर्टिफिकेट में सपोज आपने 100 शेयर आपके पास लिया, ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो लॉट का मतलब हो गया कि एक तरीके से आपके पास वो शेयर लॉट मतलब एक कंप्लीट शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कंप्लीटली आपके पास है 100 शेयर, ठीक है, दोनों का लॉट में डिफरेंस है, तो उस लॉट को अगर आप बेचने जाओगे शेयर फॉर्म में कागज वाले फॉर्म में तो दिक्कत होगी आपको बेचने में। समझ गया सर इस पॉइंट, ठीक है ना, हाँ वो चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा उसके बाद है नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी, चेंज इन एड्रेस, ठीक है, ये पॉसिबल है। अगला है ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज डन बाय डीपी एलिमिनेटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद कंपनीज, ठीक है, जो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है वो डीपी के थ्रू होता है, ठीक है, डीपी एक अकाउंट होता है जिसमें सीडीसीएल एनएसडीएल का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक तरीके से आपके डीमैट अकाउंट को खोलता है, डीमैट अकाउंट हमारा सीडीसीएल या एनएसडीएल के पास ही होता है, तो उन्हीं के पास आपका डीपी में ही आपके शेयर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको अगर कुछ खरीदना है बेचना है तो वो सारा का चीज जो है आपके डीपी डीपी में रहेगा, तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना कंपनी के हाथ में रहेगा ना ब्रोकर के हाथ में रहेगा। बोलिए, डीपी 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 सर क्या है? डीपी एक्चुअली डिपॉजिटरी अकाउंट होता है एक तरीके से, और एनएसडीएल सीएसडीएल जो है वो डीपी है क्या? हाँ, सीडीएसएल या एनएसडीएल जो है वो डीपी है, वो डीपी प्रोवाइड करता है कंपनी ब्रोकर को, ठीक है, तो डीपी में हमारा जमा होता है एक तरीके से, तो हमारा एक तरीके से सेपरेट होता है। आप चाहो तो अपना कॉन्सेंट दे सकते हो कि वो लोग आपके डीपी का इस्तेमाल करें, पर ऐसा बहुत कम लोग करते हैं और करना नहीं चाहिए, तो लेकिन फिर भी आपका जो जो ब्रोकर होगा उसके पास आपके डीपी को एक तरीके से इस्तेमाल करने का जो अथॉरिटी है वो चला जाता है। वो इसलिए भी चला जाता है कि सपोज आपने शेयर खरीदा और उसी में शेयर बाइंग एंड सेलिंग में आपका लॉस हो गया, तो वो लॉस या तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो सपोज आप अगर नहीं कर पाओगे तो लॉस किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा, ब्रोकर का हो जाएगा, तो वो तो ऐसा कभी होने मतलब होने देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, आपके डीपी में जो शेयर होगा उसको बेच करके अपने अपने लॉस को कवर अप कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो डीपी का जो अथॉरिटी होता है वो बहुत हद तक एंजल ब्रोकिंग किसी भी फर्म के पास होता है, बट आप चाहो तो उसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो उस चीज में आपको वो चीज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो बोलने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि डीपी में अगर आपका है तो डीपी में ही रहेगा, उसमें कंपनी और ब्रोकर का कोई हक नहीं होता है, वो आपके डीपी में है। सपोज आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, जैसे मेरे पास जीरोधा एंजल ब्रोकिंग दोनों है, मैं अगर एंजल ब्रोकिंग से काम करना छोड़ देता हूँ या जीरोधा से काम करना छोड़ देता हूँ तो भी मेरे पास डीपी में वो चीज अवेलेबल है। मैं अगर जो भी इन लोगों का ऑफिस होगा, अगर यहाँ पे बंगाल में या आसाम में अगर कहीं पे ऑफिस होता है और मैं वहां अपना लेकर के जाता हूँ डीपी नंबर और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाता हूँ, तो वो लोग डीपी से वो सारे शेयर्स को सेल आउट करके या जो भी आप करना चाहोगे करके वो पैसे आपको दे देगा, ठीक है। तो
तो जब ऑनलाइन आप करते हो ना, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास होना इम्पोर्टेंट है, उसी में सारा जानकारी होता है। हाँ ये सर प्रैक्टिकली एक्चुअली पॉसिबल नहीं है ये पॉइंट हाँ, लेकिन अगर आप अभी कागज जो के दिया फॉर्म है। में करोगे तो फिर तो आपका हो गया बंटा आधार, तो फिर दिक्कत है। हाँ। अच्छा, ऑटोमेटिक क्रेडिट इनटू डीमैट अकाउंट ऑफ शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ बोनस प्लेट कंसोलिडेशन मर्जर। अब ये देखो, यहाँ पे देखो बोनस शेयर की बात हो रही है ना, स्प्लिट की बात हो रही है, सब है ना अलग अलग टेक्निकल टर्म है। बोनस का मतलब आपको पता है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है हाँ कि हाँ सपोज एक शेयर का प्राइस 5,000 है, तो उसने उस शेयर को स्प्लिट करके उसको 5 भाग में बांट दिया, एक ही शेयर को स्प्लिट करके 5 भाग में उसको बांट दिया, 5 पार्ट्स में उसको हाँ बांट दिया, तो उसका एक शेयर का प्राइस अब हाँ कितना हो गया, 1,000, 1,000। एक हाँ 1,000 हो गया। तो आपके अकाउंट में जो हाँ पहले 5 शेयर शो कर रहा था, आई मीन एक शेयर शो कर रहा था, उसके जगह पे आप वो 5 शेयर शो करेगा, हाँ ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब जैसे बोनस, बोनस के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे पास 2 शेयर है, 2 शेयर के बदले वो लोग 1 शेयर देंगे, तो मेरा अकाउंट में ऑटोमेटिक वो दिखाएगा कि वहां पे 2 और 1 3 हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा ऑफलाइन फॉर्म में करेंगे तो फिर दिक्कत है, तो फिर ऑफलाइन फॉर्म में वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली, हाँ ठीक है। तो कंसोलिडेशन होगा या मर्जर होगा, किसी भी केस में ऑटोमेटिक फॉर्म जो है डीमेट का, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, आपको अलग से कुछ एप्लीकेशन नहीं करना, अलग से कुछ क्लेम नहीं करना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सिंगल अकाउंट। अब देखो, आप सिंगल अकाउंट में अपने इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट को आप रख सकते हो, हालांकि बहुत सारे जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उन लोगों ने उसको अलग अलग कर दिया है। जैसे कि जीरोधा में इक्विटी शेयर्स के लिए है हमारा काइट, काइट नाम का है, और म्यूचुअल फंड्स के लिए है आपका कॉइन, ठीक है। प्लस जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, डेट मतलब एक तरीके से आप जब उधार दोगे बैंक, जैसे मैंने बोला था ना बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड तो डिवेंचर बॉन्ड आप परचेस डिवेंचर करोगे बॉन्ड। कॉर्पोरेट का या गवर्नमेंट का, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म में। तो बहुत सारा ऐप जगहों का है ऐसा। से सर कर सकते हैं क्या? क्या जैसे क्या आपके पास अभी आपके पास अभी बोला ना आपने कि एंजल ब्रोकिंग है, उस एंजल ब्रोकिंग से या जीरोधा से डिवेंचर या बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं क्या? म्यूचुअल फंड्स का तो ऑप्शन रहता है, डिवेंचर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का ऑप्शन रहता है, सोवरेन बॉन्ड्स का, इवन गोल्ड में, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स होता है बहुत सारा ना, गवर्नमेंट का गोल्ड बॉन्ड्स होता है, हाँ तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। डिवेंचर का मुझे ठीक से पता नहीं है डिवेंचर्स का, लेकिन हाँ बॉन्ड्स पॉसिबल है, ठीक है, बॉन्ड, बॉन्ड्स पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि बॉन्ड्स का विंडो हमेशा खुला हुआ रहता है, बॉन्ड बहुत ही कम इशू होता है, और जब भी इशू होगा तो आप उसको जो है अपने एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा के थ्रू आप खरीद पाओगे एप्लीकेशन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन और मोर डिपॉजिटरीज, ठीक है। तो 1996 के अकॉर्डिंग ही ये बात बोली गई कि एक या एक से ज्यादा डिपॉजिटरीज हो सकते हैं। एवरी डिपॉजिटरी विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद सेबी एंड रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस्ड ऑफ